हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल होम कुक पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मावेर खोपरे के बुरे की एक नई तरह की मिठाई। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये मिठाई अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मिठाई बनाने के लिए हमने शक्कर ली है, मैंने करीब 200 ग्राम शक्कर लिए। उसके बाद में मैंने 200 ग्राम मावा लिया है जिसको मैंने पहले से ही घीस कर रखा था। उसके बाद मैंने 200 ग्राम खोपरे का बुरा लिया है और फिर मैंने ये कुछ केसर की पत्तियों को पानी के अंदर पहले से ही भिगो कर रखा है और उसमें बहुत हल्का सा नींबू पीला कलर डाला है। कलर ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप चाहे तो डाल सकते हैं, चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। चलिए तो मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई को गर्म रखा है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी डाला है क्योंकि हम सबसे पहले मावे को सेकेंगे। घी गर्म हो रहा है, इसके बाद हम इसके अंदर मावा डालेंगे। हमें मावे को एकदम मध्य मध्य आंच पर सेकना है। अगर हम गैस की फ्लेम हाई कर देंगे तो मावा कढ़ाई में चिपक सकता है, और अगर मावा कढ़ाई में चिपकेगा तो फिर मिठाई का टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें मावे को कढ़ाई में चिपकने नहीं देना है, बिल्कुल मध्य मध्य से गैस पर ही हमें इसे चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। आप देख सकते हैं मावा पूरा पिघलने जैसा हो गया है और एक जैसा हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम थोड़ी सी बंद कर देंगे और मावे को कढ़ाई में ऐसे ही सेकेंगे। हमें मावे को बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है फ्रेंड, हमें मावे को बहुत हल्का सा ही सेकना है। इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखिए मावा थोड़ा थोड़ा सिकने लगा है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए मैंने मावे को एक बाउल में निकाल लिया है फ्रेंड। उसके बाद मैंने फिर से कढ़ाई गरम रखी है क्योंकि अब हम इसके अंदर जो शक्कर थी उसकी चाशनी बनाएंगे। उसके लिए मैंने शक्कर को कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। मैंने करीब आधा कप पानी ऐड करा है फ्रेंड्स, हमें इसके अंदर पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है वरना शक्कर की चाशनी पतली हो जाएगी, फिर हमें उसे बहुत देर तक पकाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं शक्कर मेल्ट होने लगी है, अब वो थोड़ी चाशनी पकने लग जाएगी। हम चाशनी में ही हमारा ये कलर और केसर की पत्ती डाल देंगे। इससे ये चाशनी में पूरी एक जैसी हो जाएगी। कलर ऑप्शनल है फ्रेंड, अगर आप चाहें तो सिर्फ केसर की पत्ती डाल सकते हैं, पर मैंने हल्का सा उसमें नींबू पीला कलर डाला था। आप कलर अवॉइड भी कर सकते हैं। आप देखिए चाशनी में कितनी अच्छी उबाली आने लग गई है। अब हम इसके अंदर जो मावा था हमारा वो डालेंगे। आप देखिए चाशनी अच्छे से उबलने लग गई है, तो अब हम इसके अंदर मावा डालेंगे। चाशनी थोड़ी सी गट्ठी हो गई है फ्रेंड्स, थोड़ा सा थिकपन आ गया है चाशनी के अंदर। देखिए अब मैं इसके अंदर मावा डाल रही हूँ। हमें चाशनी के अंदर पहले अच्छी तरह से मावे को मेल्ट कर लेना है, उसके बाद ही हम इसमें खोपरे का बुरा डालेंगे। फ्रेंड्स, मैंने चाशनी के अंदर ही थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाला था, मैं वो इसमें आपको वीडियो में दिखा नहीं पाई हूँ। आप चाशनी में थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और मावा अच्छे से मेल्ट हो गया था, उसके बाद देखिए मैंने खोपरे का बुरा भी डालना स्टार्ट कर दिया है, पर मैं खोपरे का बुरा थोड़ा थोड़ा करके ही डाल रही हूँ।
आपको खोपरे का बूरा एक साथ नहीं डालना है, इसको थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालना है। देखिए आप, वो थोड़ा इकट्ठा होने लग गया है। अगर आपका ये जो मिक्सचर है थोड़ा ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो आप इसके अंदर एक कटोरी दूध भी डाल सकते हैं। मेरा मिक्सचर तो बिल्कुल बराबर है तो मैंने इसके अंदर दूध नहीं डाला है, बट आपका अगर थोड़ा सा हो जाता है इकट्ठा तो आप इसमें दूध थोड़ा सा डाल सकते हैं इसको पतला करने के लिए। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। हमें इसे चलाते रहना है क्योंकि, और ये बिल्कुल मद्दी मद्दी गैस पर ही हमें चलाना है, इसे छोड़ना नहीं है। अब मैंने एक थाली में थोड़ा सा तेल लगाया है, मैंने घी नहीं लगाया है, तेल ही लगाया है क्योंकि घी जम जाता है तो वो बाद में चिपक जाता है मिठाई में भी और थाली में भी, इसलिए मैंने इसके अंदर तेल लगाया है। तेल एकदम मिठाई को भी निकाल देता है। उसके अंदर मैं इसके अंदर हमारा मिक्सचर डालूंगी। अब देखिए मैंने इसके अंदर मिक्सचर डालना स्टार्ट कर दिया है, फिर मैं इसे सेट करूंगी मिक्सचर डालने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, मिक्सचर पूरा डल चुका है, फिर हम इसे सेट करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे किसी चम्मच से नहीं फैलाया है या किसी चीज़ से, मैं थाली को ऊपर नीचे ठोक ठोक कर ही इसे फैला रही हूँ और ये कितनी अच्छी तरह से सेट हो रहा है। ये एक हलवाई की ट्रिक है फ्रेंड्स, ये मिठाई बनाने के लिए आपको इसे ऐसे बार बार ठोकना चाहिए, उससे ये अच्छी तरह से सेट हो जाता है। इसको आपको चम्मच से हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही आपको चम्मच से सेट करने की ज़रूरत पड़ती है, इसको आपको ऐसे उठा उठा के थोड़ा सा ठोकना ही पड़ता है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से सेट हो चुका है, मैंने इसके ऊपर बिल्कुल भी चम्मच नहीं लगाया है। देखिए आप, मैंने इसको कम से कम 5 से 7 मिनट मैंने इसको ऐसे ठोका है, हिलाया, मतलब ऊपर नीचे ठोका है, बिल्कुल भी चम्मच से नहीं हिलाया है तो भी यह बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे। आप डेकोरेशन के लिए इसके ऊपर ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। मैंने चांदी की वर्क लगाई है, चांदी की वर्क पेपर से ही लगती फ्रेंड्स, ये पेपर निकालते टाइम मेरे हाथ पे आके थोड़ी सी चिपक गई थी तो इसलिए मैंने इसको हाथ से ही लगा दी। अब मैं पेपर से ही लगाऊंगी, चांदी की वर्क हमेशा पेपर से ही ऐसे कैसे आप लगाएं फ्रेंड्स, वरना ये हाथ पे पूरी तरह से चिपक जाती है। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल हलवाई की तरह लग रहा है। आप ड्राई फ्रूट्स को बारीक बारीक काट कर भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं, मैंने सिर्फ चांदी के वर्क से ही करा है क्योंकि ये चांदी के वर्क से ही ऑलरेडी इतना सुंदर लग रहा है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगा था फ्रेंड्स। देखिए आप, ये कितना सुंदर दिख रहा है, बिल्कुल बना है ना हलवाई जैसा। आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी मिठाई कैसी लगी, और अगर आपको मेरी मिठाई और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स। आप देखिए मैंने इसको गरम गरम में ही काटा है, मैंने इसको ठंडा करने के लिए नहीं छोड़ा है, और मैंने इसे काटने के लिए चक्कू पर भी थोड़ा सा तेल लगाया था। अगर हम इसको ठंडा करके काटेंगे तो ये अच्छे से नहीं कटता है, इसके अंदर थोड़े सा दरदरापन आ जाता है जहाँ से हम इसे काटते हैं, इसलिए इसे गरम गरम में ही काटना है। उसके बाद आप इसको 15 से 20 मिनट तक छोड़ सकते हैं। आप देखिए लग रहा है ना ये बिल्कुल हलवाई जैसा, कितना बढ़िया। आप इसको गरम गरम में ही काटिएगा फ्रेंड्स, उसके बाद आप इसे 15-20 मिनट सेट होने के लिए रख दीजिएगा। मैंने इसको 15-20 मिनट छोड़ दिया था, उसके बाद मैं भी इसको निकालना स्टार्ट करूँगी। अब देखिए मैंने इसे निकाल लिया है, मैंने इसे किसी चक्कू की सहायता से नहीं निकाला है, मैंने इसे एक बड़े और चौड़े चम्मच की हेल्प से निकाला है, और डेकोरेशन के लिए मैंने इसे एक प्लेट में रख दिया है। आप चाहें तो इस पर ड्राई फ्रूट का यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए।
बट ये ऑलरेडी इतना टेस्टी है कि मैंने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट थोड़े से अवॉइड करे हैं। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको मेरी मिठाई कैसी लगी है। आप देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, बना है ना फ्रेंड्स ये पूरा हलवाई जैसा। आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आपको ये मिठाई कैसी लगी है, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।